मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में बीती 14 तारीख को शिवसेना मेरठ विधानसभा प्रमुख मनोज बिश्नोई के चचेरे भाई की गोली मारने के मामले में कांधला में आज मेरठ के शिवसैनिक कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी पर जोरदार प्रदर्शन किया। इन सभी का कहना है कि पुलिस इस मामले में गंभीरता से कार्य नहीं कर रही। यूपी आज हम कप्तान साहब से मिलने आए, कारण था कि 14 तारीख को शिवसेना शहर विधानसभा के जो प्रमुख हैं हमारे मनोज बिश्नोई जी, उनके चचेरे भाई अमित बिश्नोई को सुबह 5 बजे खत्ता रोड ब्रह्मपुरी क्षेत्र में गोली मार दी गई पीछे से। अमित घायल हुआ, घायल को तुरंत ही KMC अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि गोली कमर से घुसकर पेट के आर पार होकर बाहर निकल गई है, लेकिन अब उसकी हालात में सुधार है। लेकिन पूरा परिवार दहशत में है, उनको ये नहीं पता चल पा रहा कि आरोपी कौन है जिन्होंने गोली मारी। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 307 का मुकदमा अज्ञात में दर्ज कर दिया गया। लगातार थाना पुलिस को कहा जा रहा है कि वो जाकर घटना स्थल के फुटेज देखें जो CCTV लगे हुए हैं, लेकिन CCTV फुटेज की कोई देखने की गवारा ब्रह्मपुरी थाना ने समझा नहीं। इसको लेकर हम SSP साहब से मिले। SSP साहब, लग रहा है भैया आपको कि आप में उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में है, उसके बावजूद आपको धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं अपनी मांग पूरी कराने के लिए। देखो, अपराध पर लगाम नहीं है, इसके लिए थाना पुलिस जिम्मेदार है। थाना पुलिस बेलगाम हो रही है, उसी बेलगाम थाना पुलिस की शिकायत करने हम कप्तान साहब के पास आए हैं। अगर थाना पुलिस कार्रवाई कर रही होती तो कप्तान हाउस पर इतने सारे कार्यकर्ताओं को पहुंचना नहीं पड़ता, इतनी सारी जन समस्याओं के लिए जनता यहां भटक रही होती, नहीं रही होती। इसका मतलब थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका मतलब अभी भी सपा बसपा वाले कहीं ना कहीं स्थिति वही है, क्योंकि जो थानेदार सपा बसपा में थाने संभालते थे वही आज भी संभाल रहे हैं। जब तक इन थानेदारों को सख्ताई से खबरों में बात करते हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर की, जहां पर एक पत्रकार की आत्महत्या का मामला सामने आया था। 10 दिन पहले शाजापुर के युवा पत्रकार पंकज हिरवे ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक पत्रकार के पिता ने अपने बेटे की मौत को लेकर जांच करने का आवेदन पुलिस को दिया, जिसमें पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव ने मामले की गंभीरता से जांच कराई और जांच में प्रथम दृष्टिकोण में कम्युनिटी के कारोबारी अवनीश नायक और CP चावड़ा को मृतक पत्रकार पंकज हिरवे के नौकर के बयान के आधार पर पकड़ लिया गया। ग्राम पंचायत थारू तिसोर में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोट डालने के बाद अभी काउंटिंग भी नहीं हुई और ग्राम प्रधान प्रत्याशी किरण पत्नी बाबू कुमार के वोटिंग के दौरान बूथ एजेंट बनाए गए सुमित कुमार जाटव ने अपनी फेसबुक आईडी से एक पोस्ट वायरल कर दिया, जिसमें लिखा गया था कि ग्राम पंचायत थारू तिसोर में अनाज की बाली एक तरफ जीत रही है और सुमित कुमार जाटव के पोस्ट पर मनोज कुमार ने कमेंट लिखा कि अनाज की बाली 200 वोटों से जीत गई है। पर सोचने का विषय यह है कि जब तक काउंटिंग नहीं हुई तो इस तरह का पोस्ट क्यों डाला गया। कि यहाँ पे कहीं से ना कहीं से धांधली हुई है हमारे यहाँ प्रधान प्रतिनिधि में, चुनाव आयोग में, तो उसके लिए कार्रवाई इनके खिलाफ़ की जाए कि वो प्रत्याशी भी हैं वार्ड मेंबर के और प्लस वहाँ के बूथ के अंदर एजेंट भी हैं, उनके सब खिलाफ़ सख्त कार्रवाई किया जाए। कौन लोग हैं? अरे हमारे यहाँ के कैलाशपुरी ग्राम कैलाशपुरी के हैं और पब्लू कुमार प्रत्याशी जो हमारे यहाँ के हैं भाई को किरण, उनके सपोर्टर भी हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फेसबुक पे लगभग 2:30 पे अपलोड किया कि हमारा अनाज की वाली एक तरफा जीत रही है, और उसमें ये मनोज कुमार जो सपोर्टर हैं उन्होंने कमेंट्स किया है कि 200 वोटों से जीत चुके हैं। फेसबुक में कमेंट किया है कि मतलब हमारी अनाज की वाली सबसे आगे जा रही है, उसके बाद उसमें कमेंट में लिखा गया है कि मतलब 200 वोट से अनाज की वाली जीत गई है और ये दोनों जो हैं ये प्रत्याशी के सपोर्टर हैं और वार्ड मेंबर के प्रत्याशी हैं और दोनों ही अंदर एजेंट थे और इन दोनों ने दावा किया है। हम इसकी कार्रवाई मांग रहे हैं कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो कि ये धांधली जो है कैसे हुई और कैसे इनको पता चला है कि हमारी अनाज की बाली 200 वोट से आगे चल रही है। कौन लोग हैं, क्या नाम है? ये सुमित कुमार जाटव ने ऐड किया है और मनोज ने इसमें कमेंट दिया है। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर गंगा रेती में लगने वाले मेले की तैयारियां जहां प्रशासन ने शुरू कर दी है, तो वहीं प्रशासन में हर तरह की कोई कमी ना रह जाए इस बाबत मीटिंग की गई। जहां इस मेले को जिला पंचायत तैयार करता है तो वहीं जिला प्रशासन पूरा सहयोग इस मेले के लिए करता है। मैं
गौरव पांडे, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत। मेले की तैयारियां किस तरह चल रही हैं? मेले की तैयारियां हमारे इस समय जो रोड्स वगैरह हैं, कच्ची सड़कें, वो बन रही हैं। सदर आप देख सकते हो, एक रोड सदर की बन चुकी है। अब ये बैक रोड और गंगा रोड बन रही है। जब ये रोड्स बन जाएगी, इसके बाद फिर हम लोगों को गाड़ी आएगी, टिन फेंसिंग वगैरह शुरू कराएंगे। और बैरिकेडिंग का जहाँ तक है कि तो गंगा का जलस्तर निरंतर घट रहा है, तो बैरिकेडिंग अभी जो गंगा जी के अंदर है, ये जब जलस्तर एक आएगा लगभग 2-3 तारीख तक, तब हम लोग यहाँ बैरिकेडिंग शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल निषाद है। अच्छा, ये गढ़ गंगा जो मेला शुरू होने जा रहा है जी, इसको इसकी सरकार की क्या उपलब्धियाँ हैं इस मेले के लिए? सरकार की उपलब्धियाँ इसमें, सरकार ने राजकीय मेला घोषित कर दिया है और राजकीय मेला होने के उपरांत भी यहाँ अच्छी तरीके से मेला नहीं भर पाता है और पुरानी ही परंपराओं पे मेला भरा जा रहा है। ऐसा नहीं लगता जैसे राज्य के मेला हुआ है तो कुछ नया होगा। अच्छा। मेरे गवर्नमेंट से अपील है कि कोई भी जब मेला अगर हो रहा है तो अच्छे तरीके से होगा और अच्छी चीजें इसमें लगनी चाहिए। पुरानी ही परंपराओं पर चला रहा, आज कुछ अच्छा, नया जैसे दौर पिछली है। बार योगी जी इसे राजकीय घोषित करके गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो कोई फर्क आया उस चीज में? नहीं, कोई फर्क नहीं आया जी, उसी हिसाब से चल रहा है। उसी हिसाब से चल रहा है। अच्छा, तैयारियां लगभग कितनी हो गई होंगी? तैयारी मेन रोड इनके बन गए हैं, गंगा रोड इनके बन गए हैं, तैयारी जिला पंचायत की तरफ से पूरी चल रही है। इस समय मौजूद हैं हम ऐतिहासिक मेला गढ़मुक्तेश्वर कार्तिक पूर्णिमा, जहां युद्ध स्तर पर जिला पंचायत अपनी तैयारियों में लगा है। जहां तैयारियों में लगा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी सतर्क होकर मेला स्थल पर पहुंच चुका है। जहां मेले की बात करें, जो पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य मेला घोषित किया गया था, लेकिन यहां की जनता से जब बातचीत की गई तो यहां की जनता ने बताया कि राजकीय का कोई भी मामला अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश के सारे पुराने दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। मोहम्मद असजद, CMN, हापुड़। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट इलाके लोहिया नगर में यूनियन बाजार कपड़े के शोरूम में कपड़े एक्सचेंज करने पर ग्राहक ने शोरूम मैनेजर के साथ मारपीट की और उसके साथ आई उसकी पत्नी ने शोरूम में तोड़फोड़ करी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं तोड़फोड़ का लाइव वीडियो वायरल हो गया है। दीपांशु नाम है जी। दीपांशु, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ लोहिया नगर बस अड्डे पे गाजियाबाद में यूनिक बाजार है उसमें मैनेजर हूँ। सुना है आपके उसमें शोरूम में कुछ तोड़फोड़ हुई थी, क्या मामला? तोड़फोड़ इसलिए हुई है जी, एक कस्टमर सुबह सुबह आए, वो बोले जी हमें एक्सचेंज बनाना करना है, तो जो वहाँ पे गार्ड खड़ी थी उन्होंने बोला कि मैडम ये आपने शायद पहना हुआ है, तो वो गार्ड के ऊपर हाथापाई करने लगी कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो और फलाना है ढिमाका ऐसा कुछ करने लगे। तो जब उन्होंने गार्ड को फिर धक्का दिया तो उनके साथ जो पति आए हुए थे, मैंने उनको बोला कि भाई अपनी वाइफ को समझाइए, त्यौहार का समय ये सब हरकतें मारपीट अच्छी नहीं लगती, आप उसको धक्का दे रहे हो, गार्ड को छोटी सी गार्ड है। तो उसने बोला मैं तेरे को थप्पड़ मार दूंगा। मैंने कहा सर देखो लड़ने झगड़ने के लिए कोई नहीं है, हम यहाँ पे काम करने के लिए हैं। तो उसने मेरे में थप्पड़ मार दिया। तो उसके बाद जब उसने मेरे में थप्पड़ मारा तो हमने उसको पकड़ना चाहा क्योंकि वो उन्होंने भागने की कोशिश की, तो मैंने गार्ड को बोला दूसरे गार्ड को कि गेट डालो नीचे ताकि ये बाहर ना जा सकें। तो उसकी वाइफ जो है जी बाहर से ईंट उठाकर लाई और उन्होंने ईंट से जो है हमारे शोरूम का शीशा तोड़ा, और उसके जो पति था उन्होंने हमारे यहाँ एक मशीन लग रही है 80,000 रुपये की मशीन है, वो लगभग 80,000-1,00,000 रुपये की, वो मशीन तोड़ी और फिर भागने की कोशिश करने लगे, जिसमें वो सफल भी हुए, लेकिन तभी जो है बाहर से पुलिस आ गई और पुलिस ने उनको पकड़ लिया। अब आगे हम चौकी में खड़े हैं थाना। सर, एक शोरूम के लोगों में और एक महिला और उसके पति के साथ विवाद हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये थाना सिहानी गेट क्षेत्र में लोहिया नगर में कपड़े के शोरूम में दो लोग गए थे, पति पत्नी, और पुराने कपड़े के साथ बदलाव को लेकर के वहाँ कोई बातचीत हुई, उसमें शायद मारपीट हो गई, और मारपीट होने के क्रम में जो बाहर से लोग गए थे वहाँ पर शीशे पर मार दिया, शोरूम के शीशे पर पत्थर मार दिया, जिससे पत्थर वो शीशा टूट गया। 100 नंबर पर सूचना आई थी, पुलिस मौके पर लाई थी, और जो मालिक है कपड़ा, जो मालिक है उसका, उसकी तहरीर पर एक NCR पंजीकृत की गई है, वैधानिक कार्रवाई की। देश में पूर्ण रूप से पॉलिथीन पर बैन के बाद गाजियाबाद के कबाड़ियों ने भी पॉलिथीन बैन को समर्थन किया है। कबाड़ियों ने 1 टन पॉलिथीन जिला प्रशासन अधिकारियों को सौंपी है। गाजियाबाद नगर निगम पॉलिथीन को सड़क बनाने के उपयोग में लाएंगे। बड़ी प्लास्टिक का ट्रक लेकर पहुंचे हैं, लोगों में जागरूकता जो है प्लास्टिक को लेकर काफी बढ़ रही है। देखिए, हम लोग महात्मा गांधी की
जन्म शताब्दी मना रहे हैं और गांधी जी के सिद्धांतों में प्रमुख रूप बात ये थी कि जो काम हृदय परिवर्तन से होता है वो ज़्यादा सस्टेन करता है और वो स्थायी होता है। तो पॉलीथीन के खिलाफ अभियान भी चल रहा है, दंडात्मक कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन हमने जो पॉलीथीन का काम करने वाले लोग हैं उनसे ये अपील की थी कि प्रदूषण को देखते हुए और गांधी जी की जयंती को ध्यान में रखते हुए वो स्वेच्छा से इस काम को छोड़ें, इसके नुकसान को समझ करके। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये जो कबाड़ का काम करने वाले, पॉलीथीन का काम करने वाले लोग हैं, अपने श्रम से इन्होंने पॉलीथीन को एकत्रित किया, अपना ट्रक किया और ट्रक लेकर के आप देखिए एक कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं और ये हमको ये समर्पित कर रहे हैं कि हम इस पॉलीथीन को आपको डिपॉजिट कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं ये कि हम भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है ये और हमारे ख्याल से ये गाजियाबाद ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए एक ये उदाहरण है। सर, अब जिला प्रशासन इस पॉलीथीन से क्या बनाएगा? सर, ये हम नगर निगम पे अपर नगर आयुक्त यहाँ उपस्थित हैं, इनको हम हैंडओवर कर रहे हैं। ये नगर निगम इसको जो उनकी कुछ पॉलीथीन से सड़कें बनाने की भी उनकी योजना है या जो भी इनकी योजना है इस पॉलीथीन के डिस्पोजल की, उस हिसाब से डिस्पोजल करेंगे। सर, आम जनता के लिए प्लास्टिक को लेकर कुछ कहना चाहिए? आम जनता से भी अपील है कि बहुत अच्छा ये उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है, स्वेच्छा से हृदय परिवर्तन से इन्होंने इस पॉलीथीन के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। हर व्यक्ति से ये अपील है, हर नागरिक से ये अपील है कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बचे और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, उनकी मंशा है, उसके अनुसार सबको काम करना। सर, क्या इन लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा? बिल्कुल, ऐसे लोग जरूर, ये अनुकरणीय लोग हैं, इनको जरूर सम्मानित हम करेंगे और लोगों से भी हम अपील करेंगे कि और लोग भी इस काम में आगे आए। हम साहिबाबाद में काम करते हैं, शालीमार गार्डन में पंद्रह काम था हमारा, हमने पोल्यूशन बंद कर दिया है क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता था और दूसरी बात गाय पशु खाते थे, दिक्कत होती थी, चक्कर में पन्नी का काम बंद कर दिया अपनी खुशी से। हम ये जो अपनी पन्नी है खुशी से लेके आए हैं रेजिम DM साहब जी के यहाँ गिफ्ट करने के लिए। अच्छा, और जो पन्नियों का काम करने वाले हैं उनको भी इसको लेकर आप जागरूक करेंगे? हाँ जी, जागरूक करेंगे बिल्कुल जी बिल्कुल। और जो दिल्ली में जो भी हो रहा है बंद हो जाए, हम कुछ चाहते हैं चीज़ को, हमें और काम मिल जाए तो अच्छी बात है, फिलहाल पन्नी का काम बंद कर देंगे। द्वारा आज पन्नी जमा की गई है कलेक्ट्रेट में, अब नगर निगम को सौंपी जाएगी, किस तरह से नगर निगम उपयोग करेगा इसका? नगर निगम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग सड़क बनाने में किया है, अभी हम लोगों ने 3-3 सड़कें बनाई है एक्सपेरिमेंट के तौर पर और बहुत अच्छा चल रहा है। इन पॉलीथीन का उपयोग भी सड़क बनाने में होगा जिससे प्रदूषण नहीं होगा और प्लास्टिक का उपयोग हो जाएगा। सर, करीब 1 टन ये प्लास्टिक है, कितने मीटर से सड़क बनेगी? असल में वो बहुत जैसे ऐसा है कि सड़क बनाने में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की ज़रूरत होती है जी। तो ये इस प्लास्टिक का भी उपयोग और जगह से जो भी इकट्ठा हुआ है वो सारे प्लास्टिक से मिलाकर वो सड़क बनाएंगे। ठीक है।